हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचएल गुप्ता। चलिए आज सीएमए फाइनल एसएफएम डेरिवेटिव का मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है, एकदम इजी है क्वेश्चन, प्लीज आप लोग देखिएगा, एकदम इजी है क्वेश्चन, प्लीज कंसेंट्रेट करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टर सेल्स 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब आपको 100 लाख, 100 लाख, जितना मिलियन होगा उसमें एक जीरो रख देंगे लाख के साथ। एन एन फॉरवर्ड फॉर द प्राइस दिस पर एट एक्सपायरी द स्पॉट रेट इज दिस, स्पॉट मतलब फ्यूचर प्राइस स्पॉट ये है। तो व्हाट इज द लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाई। अगर आपने बाई किया है तो क्या होगा, मैंने बाई किया है किस प्राइस पे बाई किया है, डॉलर 0.0090 पे बाई किया है। दूसरा है आपका शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल। अगर आपने सेल किया है तो क्या पोजीशन होगा, लॉन्ग पोजीशन में आपने, अगर लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है बाई, आपने बाई किया किसने पे, तो डॉलर 0.009 पे। तो जब बाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। यहां पे बाई किया तो बाई किया तो इस पे पर येन, तो सेल अगर करते हैं आप स्पॉट पे सेल करेंगे, स्पॉट पे सेल करेंगे तो डॉलर 0.008383 आई थिंक यहां पे भी 000 होना चाहिए था। अब आपने बाई किया उस पे इस पे और सेल किया इस पे, तो लॉस कितना हो जाएगा, 0.0009 - 0.0083 आपकी लॉस हो जाएगी डॉलर 0.00007 पर येन, ये लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा पर येन, लॉस हो जाएगा। टोटल आपकी कितनी लॉस हो जाएगी बताइएगा आप, टोटल, ये अभी शॉर्ट पोजीशन के बारे में छोड़िए, टोटल लॉस आपका कितना हो जाएगा, टोटल लॉस डॉलर 0.00007 इंटू 100 लाख है आपके पास, कितना हो जाएगा 100 लाख डॉलर 700 का लॉस हो जाएगा, पूरे डॉलर 700 का लॉस हो जाएगा। ये आपका ए पार्ट का आंसर है, डॉलर 700 का लॉस हो जाएगा। डॉलर 700 का लॉस हो जाएगा, अब चलिए नेक्स्ट आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्वेश्चन कही गई, व्हाट इज द शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है शॉर्ट, एस का मतलब सेल। अगर आपने सेल किया है डॉलर 0.0009 पर ईएन, तो आप अगर ये आपने फॉरवर्ड सेल किया हुआ है और स्पॉट में ये रेट है, स्पॉट में ये है, तो आपको क्या करोगे आप, अगर अभी सेल किया तो फ्यूचर में क्या करोगे, बाई करोगे आप, बाई करोगे तो किस रेट पे, 0.0083 जी
इस पे 00090 है, 00 मैंने एक एक जीरो इंक्रीज कर दिया है क्या? यहाँ पे अगर एक जीरो डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे 7000 हो जाएगा। यहाँ अब पहले इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, पहले इसको करेक्ट कर लेता हूँ। अब सुनना है, जब इसको मैं करेक्ट किया तो आप देखिए, आपने सेल किया इस पे, बाय किया इस पे, तो आपका गेन पर एन कितना हो जाएगा? गेन पर एन $0.0070 इतना का गेन हो जाएगा। टोटल गेन कितना हो जाएगा? डॉलर पर येन होगा, यहाँ पे पर येन, येन $0.0070 इंटू 100 लाख, तो 0.007 इंटू 0.0090 माइनस 0.0083 0.000 7000 का आपको क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। यहां पे भी 7000 का लॉस हो जाएगा, एक एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये 7000 का लॉस हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब लंबा, बाई, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब सेल। अब सुनिएगा, ये क्यों लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाई क्यों रखा जाता है, उसकी लॉजिक समझिए। मान लीजिए आपके पास एक पोर्टफोलियो है, 1, 2, 3, 4, 5 सिक्योरिटी का एक पोर्टफोलियो है। आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, तो और ऐड करके आपने पोर्टफोलियो बना लिया। ये 5 तो था ही, एक और आपने ऐड कर, तो बाई करने से ऐड हुआ ना, बाई करने से ऐड हुआ ना, तो इसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग, आपकी पोर्टफोलियो इंक्रीज कर गई, तो इंक्रीज कैसे की? बाई किया, लॉन्ग पोजीशन हो गया। यहां पे आपने क्या किया, अपनी पोर्टफोलियो को घटा लिया, 5 से 4 हो गया, तो कैसे हुआ? ये शॉर्ट हो गया, यहां पे लॉन्ग हो गया, शॉर्ट का मतलब डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया। तो शॉर्ट कैसे हुआ? सेल करने से हुआ ना, तो सेल करने से आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, तो डिक्रीज करने के कारण क्या होता है, सेल हो जाता है, ठीक है ना बेटा, ये सेल हो जाता है, तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।